वेलकम बैक, दिस इज शिवानी जायसवाल। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। आपने भी इस यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी सुना होगा एंड बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वॉन्ट टू आस्क सम क्वेश्चंस कि अगर आप भी सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो, बट यू नो कि आपके माइंड में और भी यूनिवर्सिटी चल रही होगी, सिर्फ ये यूनिवर्सिटी नहीं, तो कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन कजाकिस्तान। सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी वॉज फाउंडेड इन द ईयर ऑफ 1953 एंड द यूनिवर्सिटी हैज़ मोर देन 17 years experience in the medical field and located in the semi Kazakhstan. The distance between Almaty to semi state medical university 1836 kilometers. और अगर मैं इसकी यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करती हूँ तो ये 15 नंबर पे आती है, और अगर मैं वर्ल्ड रैंकिंग की बात करती हूँ तो 6105 है। तो देखो, ऐसा नहीं है, मोस्टली यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है और इस यूनिवर्सिटी के लिए भी बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस यूनिवर्सिटी में जाना पसंद करते हैं। तो अगर आप भी इस यूनिवर्सिटी के लिए सोच रहे हो तो हमारा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू विद कंप्लीटेड डिटेल्स। सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी ओवरव्यू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड, यूनिवर्सिटी फी स्ट्रक्चर, हॉस्टल की फैसिलिटी एंड फूड। हम इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी कजाकिस्तान की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे आपकी कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 6 ईयर रहेगा। मेनली जो आपका यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर होगा, इसमें आपका 30% क्लिनिकल रोटेशन होगा और 70% आपका थ्योरी पार्ट्स होगा। लेकिन देखो, अगर आप मैं लास्ट ईयर की बात करूँ तो लास्ट ईयर में आपका 30% थ्योरी पार्ट्स और 70% आपका क्लिनिकल रोटेशन होगा। तो देखो, मोस्टली यहाँ पे यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है, और अगर इस यूनिवर्सिटी के लिए आप थोड़ा सा भी सोच रहे हो इस यूनिवर्सिटी के बारे में तो हमारा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फर्स्ट रिव्यू, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो, अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करती हूँ तो हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया, आपका मिनिमम एज जो है वो 17 ईयर्स होना चाहिए। सेकंड क्राइटेरिया, आपका क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में 60% होना चाहिए। एंड आपका थर्ड क्राइटेरिया, आपका नीट क्वालिफाइड होना चाहिए। मोस्टली देखो, हर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएं जहां से हम जब अपना MBBS कंप्लीट करके आएं तो हमारी इंडिया में डिग्री वैलिड हो, और आपकी इंडिया में डिग्री तब वैलिड होगी जब आप अपना नीट क्वालिफाइड करके जाएंगे। और मोस्टली आपका ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए नीट क्वालिफाइड के लिए, या फिर आप जनरल कैटेगरी से हो, OBC से हो, SC से हो, ST से हो, इसके लिए आपको ज़्यादा मार्क्स नहीं चाहिए क्वालिफाइड मार्क्स, ओनली क्वालिफाइड मार्क्स में आपकी एडमिशन हो जाती है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर सेकेंड रिव्यू, यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल। देखो, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी बाइलिंगुअल यूनिवर्सिटी नहीं है। यहाँ पे आपके बुक्स, आपके लेक्चर्स, आपके एग्ज़ाम्स ये सारे इंग्लिश में होंगे। मोस्टली कि हर स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जाएं जहाँ पे हमारे फुल्ली इंग्लिश मीडियम कोर्स ड्यूरेशन हो। और देखो, यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो भी आपका कोर्स ड्यूरेशन है वहाँ पे फुल्ली इंग्लिश मीडियम पूरे 6 साल की आपकी पढ़ाई होगी MBBS की, तो किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड आप लोकल लोगों से बात करोगे तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होगी, बट ऐसा नहीं है कि वहाँ पे आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम्स होने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर थर्ड रिव्यू, यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड। देखो, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पे आपकी सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी MCAI अप्रूव्ड, WHO लिस्टेड यूनिवर्सिटी है। इससे ये प्रूफ होता है कि आप इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हो, बट इसके लिए आपको एक लाइसेंस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। मोस्टली अगर लाइसेंस एग्ज़ाम आप क्लियर करोगे तो ये ईजिली हो जाएगा आपके लिए कि आप इंडिया में प्रैक्टिस कर पाओगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी से कर रहे हो वो यूनिवर्सिटी आपकी MCAI WHO लिस्टेड होनी चाहिए, तो ये भी मोस्टली बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फोर्थ रिव्यू, फी स्ट्रक्चर।
देखो, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो आपके माइंड में तो ये चल ही रहा होगा कि हमारी यूनिवर्सिटी की फ़ी स्ट्रक्चर क्या हो सकती है। तो इस यूनिवर्सिटी का, सेमी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का फुल पैकेज MBBS की जो फ़ी होगी, इसकी फ़ी आपकी 24 लाख फुल पैकेज होगी। अगर आप इसे सेमी पैकेज में देना चाहोगे तो सेमी पैकेज में आपका वहाँ पे 12 लाख आपको पे करना होगा। अगर ईयरली जाओगे तो 4,73,000 के अप्रॉक्स यूनिवर्सिटी में पे करनी होगी, जिसे आपको डॉलर में पे करनी है। तो डॉलर में अगर आप 4,73,000 इंडियन को डॉलर में कन्वर्ट करोगे तो 5,733 के अप्रॉक्स यूनिवर्सिटी में डॉलर आपको पे करनी होगी। और ये जो टोटल है आपका, तो इसमें आपकी ट्यूशन फ़ी, हॉस्टल, मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें रहती है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्यूशन फ़ी की बात करूँ तो ट्यूशन फ़ी आपका 4 लाख है, जिसे आप कन्वर्ट करोगे डॉलर में तो 5,000 डॉलर आपको यूनिवर्सिटी में पे करना होगा। अगर हॉस्टल की बात करती हूँ तो हॉस्टल आपको 56,000 पे करना होगा इंडियन, लेकिन उसे कन्वर्ट करोगे तो 650 आपको डॉलर यूनिवर्सिटी में पे करनी होगी। और अगर मैं मेडिकल इंश्योरेंस की बात करती हूँ तो मेडिकल इंश्योरेंस 16,000 आपको पे करना होगा, लेकिन इसे कन्वर्ट करोगे आप तो अप्रॉक्स 200 डॉलर यूनिवर्सिटी में आपको पे करनी होगी। तो देखो, अगर मैं ये टोटल मिलाती हूँ तो 4,73,000 आपको इंडियन, और अगर मैं डॉलर की बात करूँ तो यहाँ पे 5,733 के अप्रॉक्स डॉलर आपको यूनिवर्सिटी में पे करनी होगी। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन सारे अवेलेबल हैं, आप जैसे चाहते हैं आप वैसे पे कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं बोलूँगी कि आपको पैकेज में ही जाना है, आप जैसे चाहते हो, जैसे मतलब सेमी या ईयरली या पैकेज, जैसे चाहते हो आप जा सकते हो। बस ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए कि जो भी यूनिवर्सिटी की फ़ी है वो आपको पे करनी होगी ऐसे ही। सो लेट्स टॉक अबाउट योर फिफ्थ रिव्यू, हॉस्टल फैसिलिटी। अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो यहाँ का हॉस्टल अच्छा है, यहाँ के हॉस्टल नीट एंड क्लीन होते हैं, फैसिलिटी वगैरह अवेलेबल होती है, इंडियन स्टूडेंट्स अवेलेबल होते हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पे आपको हॉस्टल्स वगैरह की भी फैसिलिटी काफ़ी अच्छी है। गर्ल्स के लिए अलग हॉस्टल्स है, बॉयज़ के लिए अलग हॉस्टल्स है, फैसिलिटी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी मिलेगी। देखो, अगर इंडिया में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नहीं मिल पा रही है तो आप अब्रॉड के लिए सोच सकते हो, एंड यहाँ का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत अच्छा है, तो हॉस्टल वगैरह भी आप देख सकते हो, पिक्चर्स अवेलेबल है। सो लेट्स टॉक अबाउट योर सिक्स रिव्यू, फूड। देखो, अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो यहाँ पे इंडियन फूड्स अवेलेबल है, अगर आप मेस लेना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो इंडियन फूड अवेलेबल है आपका। जो भी ऑप्शंस आपको लेना है आप ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। और भी आपके मन में कुछ डाउट्स हो यूनिवर्सिटी को लेकर तो हमारा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।